हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, चलिए देखते हैं आज गणपति बप्पा के हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साईनाथाय नमः। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं गणपति बप्पा की, और किस चीज़ को हमको इग्नोर करना है या वो काम नहीं करना है। बप्पा क्या हमको संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले सेवन ऑफ वॉयस, नाइट ऑफ मटेरियल, द फूल, सिक्स ऑफ इमोशन और टावर। आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे हों। तो सबसे पहले तो आपसे ये कहा जा रहा है, जो भी आप काम करें सोच समझ के गए आज के दिन काम करिएगा। हो सकता है ये काम में आपकी रुकावट आए या परेशानी हो सकती है, क्योंकि और ये कोई और नहीं, अपने ही आपके करीबी ऐसे दो दो लोग होंगे जो आपके काम को होने नहीं दे रहे होंगे या आपके काम को रोक रहे हैं। वो आपको वहाँ तक जाने नहीं, हो सकता कहीं आपको जाना हो, हो सकता है आपको ऐसा कुछ काम करना हो जिससे आगे जाके आपका आपकी लाइफ पूरी चेंज आज होने वाली है, लेकिन वो लोग करने नहीं दे रहे। हो सकता है कोई बिजनेस प्रपोजल हो सकता है ऑफिस का काम हो, या घर में कुछ ऐसा काम हो, किसी से मिलने जाना है आपको जो आगे जाके आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको आपके ही लोग रोक रहे हैं, दो लोग हैं कोई ऐसे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो आज का दिन आपका अच्छा जाने वाला है। जनरल रीडिंग है फिर बोल रही हूँ, उसी हिसाब से लीजिएगा। कुछ लोग के बहुत मौज मस्ती करने वाले हैं, लाइफ एंजॉय करने, जिसे बोलते हैं ना एंजॉय करना, आज करने वाले हैं, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है आपको। आप बिल्कुल घूमिए फिरिए मस्ती करिए, लेकिन बस होश में रहिएगा। ऐसा नहीं कि किसी की बातों में आके अपना ही नुकसान आप करा लें। आज के दिन आपको कहा जा रहा है इन पर जो भी परेशानी आपकी हो रही है या रुकावट आ रही है उसको दूर करने के लिए आज आपको कुछ दान करना चाहिए, कुछ डोनेट करना चाहिए। आप देखिए आपकी जो शक्ति है पैसा कर सकते हैं, गरीबों को देना है उनको, और ख़ास तौर से उन लोगों को दान करिए जो हैंडीक्राफ्ट, जो अपने हाथ पैर से कुछ कर नहीं सकते हैं, ब्लाइंड हैं, उन लोगों को आप आज दान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा। आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट है, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं मुझे लगता होगा, जो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आया हुआ है, यानी कि जो काम कर रहे हैं प्रोग्रेस नहीं है, दिन भर आप काम करते हैं, काफ़ी टाइम से उस काम में लगे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है, तो आज वो टावर मोमेंट भी ख़त्म होने वाला है। आपकी लाइफ में जो भी अभी तक परेशानियां आ रही थी वो ख़त्म होने वाली हैं, और रुकावट जो बीच की बाधा बन रही थी, चीज़ आपको आगे नहीं जाने दे रही थी, वहीं पर स्टक करके आपको रखा हुआ था, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, यानी टावर टूटने वाला है। आप आज से आप आगे जितनी मेहनत आपने की है उसका फल आपको मिलने वाला है। टावर मोमेंट ख़त्म हो रहा है गाइस, इसका ध्यान रखिएगा। तो आज ये कहा जा रहा है कि आप अपने लोगों से ही बच के जरा रहिए, फाइनेंशियली ठीक ठाक रहेगा आज आपका दिन। फनी मस्ती फन जो भी करना है करिए, लेकिन होश में रहिएगा, कुछ ऐसा ना कर दें जिसके कारण आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो। अपने इमोशन पे कंट्रोल रखिएगा, और आज आपको दान करने का दिन है। हो सकता है किसी की बातों में इतनी आ जाए, तो किसी की बातों में आपके आपको बहकना नहीं है, अपने दिमाग से काम लीजिएगा
और अभी तक जो काम आपके रुके हुए थे, जो नहीं हो रहे थे, आप बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको लग रहा था एक ही जगह आपकी लाइफ ठहर गई है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो टावर मोमेंट भी आज खत्म होने वाला है गणपति पप्पा की कृपा से। और चलिए देखते हैं आज गणपति पप्पा के कार्ड में क्या निकला है आपको। तो आज आपसे कहा जा रहा है जो भी आपकी लाइफ में परेशानी थी, प्रॉब्लम थी, बाधाएं थी, आज वो हटाने वाले हैं गणपति पापा की कृपा आप पे होने वाली है। सारी निगेटिविटी रिमूव करने वाले हैं। जो भी टावर मोमेंट था, देखिए कार्ड भी वही आया है, टूटने वाला है टावर मोमेंट आपकी लाइफ से। जितने भी बाधाएं आ रही थी उसको आज गणपति पापा की कृपा से दूर होने वाली है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए गाइस, अगर आप लोग को रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच।